बेंगलुरु के समीप एक तालाब में डूबने से हुई छात्र की मौत सेल्फी की लत के शिकार लोगों के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं मानी जा सकती। सुन मेरा, नहाते समय तालाब में डूबने वाले छात्र का दुर्भाग्य ये था कि उसके साथ ही छात्र उसे बचाने की जगह तालाब किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने में मशगूल थे। मेरा, 2 महीने पहले पंजाब में सेल्फी शौक के चलते 2 बहनों की नहर में डूबने से मौत हो गई थी। पूर्णिया, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे दर्दनाक हादसों की खबरें आए दिन अखबारों चैनलों की सुर्खियां बनने लगी हैं। उनमें एक जानकारी के मुताबिक विश्व में सेल्फी लेने के दौरान होने वाली मौतों में भारत का स्थान टॉप 5 देशों में है। पूर्णविराम, सवाल यह है कि बेंगलुरु के समीप डूबने से हुई छात्र की मौत को मौत न मानकर क्यों ना हत्या माना जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने डूबते साथी को बचाने की जगह सेल्फी में मशगूल होना क्या गुनाह नहीं माना जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। सेल्फी का शौक अगर किसी की जान पर भारी पड़ने लगे तो इसे समझदारी नहीं माना जा सकता। पूर्णविराम, आधुनिक तकनीक और स्मार्टफोन के बढ़ते चलन के इस दौर में दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सेल्फी की बीमारी महामारी का रूप लेती जा रही है। चलती ट्रेन में
गेट के पास खड़े होकर सेल्फी लेना क्या आत्महत्या की कोशिश नहीं है? सेल्फी लेने के चक्कर में लगातार हो रही मौतों के मामले चिंता का कारण बन रहे हैं। सुन मेरा, ऐसी बात नहीं कि सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डालने वाले अबोध हैं। पढ़े लिखे और समझदार लोग भी जाने अनजाने में इस खतरनाक लत का शिकार हो रहे हैं। उन्मराम, इस बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्मराम, इसके लिए पहली पाठशाला परिवार से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अभिभावक अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, तो स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों को इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। जरूरत सेल्फी के शौक को लत में बदलने से रोकने की है। ये ऐसा मुद्दा नहीं जिसका हल सरकार या प्रशासन के पास हो। इस मुद्दे का हल हर व्यक्ति को अपने आप तलाशना होगा। सेल्फी के शौक के साथ साथ जिंदगी के महत्व को भी समझना होगा। बेंगलुरु के छात्रों ने थोड़ी भी सूझबूझ दिखाई होती तो किसी के घर का चिराग बुझने से बचाया जा सकता था। कोशिश हो कि भविष्य में सेल्फी की लत किसी जान पर भारी ना पड़ने पाए। जरूरत सेल्फी के शौक को लत में बदलने से रोकने की है। ये ऐसा मुद्दा नहीं जिसका हल सरकार या प्रशासन के पासो। हल हमें खुद